नमस्कार। लाइफ में आपको हारना नहीं है, लड़ना है और आपको जीतना है। आप क्या देखते हो सामने वाले से, आप किसी से लड़ना और मुझे जीतना है? धन्यवाद। आपको अपने आप से लड़ना होगा, आपको अपनी बुराइयों से लड़ना होगा और उन पर विजय आपको पानी होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब आप कहोगे सर अपने आप से कैसे लड़े? दूसरों से मत लड़ो, दूसरों से लड़ने से पहले खुद से लड़ो। खुद के अंदर देखो क्या कमियां हैं, उनसे लड़ो। आप अपने झूठ बोलने की आदत से लड़ो, अपने धोखा देने की आदत से लड़ो, अपने काम टालने की आदत से लड़ो, अपने आलस करने की आदत से लड़ो, अपने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत से लड़ो, दूसरों से नफरत करने की आदत से लड़ो, अपने आप के अहंकार से लड़ो, अपने अंदर जो गुस्सा करते हो उससे लड़ो और अपने अंदर जो आपको जो नकारात्मक विचार लाते हैं उनसे लड़ो और जीतो। अपने आप से लड़ो, अपने आप से इन बुराइयों से लड़ो। अगर आप दूसरों से लड़ रहे हो उससे पहले अपने आप से लड़ो। अगर आप अपने आप से लड़े और ये आप एग्जामिन करें कि अपने अंदर कौन सी वीकनेस है, उन वीकनेस से लड़े और उन वीकनेस को रिमूव करके स्ट्रेंथ बनाए उनको। जब आप अपनी बुराइयों से लड़ोगे और उन बुराइयों को खत्म करोगे अपने आप को अंदर से, फिर आप दूसरों से लड़ो। जब आप अपनी बुराइयों को खत्म करके दूसरों से लड़ोगे ना, तो आपको लाइफ में कोई नहीं हरा पाएगा। कहते हैं ना कि जब लड़ाई करने जा रहे हो तो पहले अपना घर मजबूत करो। पुराने लोग ये क्यों कहते थे कि अपना घर मजबूत करो फिर सामने वाले से लड़ो? जब आपका घर ही मजबूत नहीं होगा तो सामने वाला आपको ये चुटकियों में डिफीट कर देगा। महाभारत में जब गीता के प्रवचन कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, शुरुआत में अर्जुन भावनाओं में बह जाता है। उस वक्त श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने की नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो अपने आप खुद से हारा हुआ था, क्योंकि वो तो भावनाओं में बह गया था। वो रिश्ते नाते दारी भाई भतीजा वाद में बह गया था। जब वो भावनाओं में बह चुका था तो वह युद्ध कैसे करता? भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब ये भावनाओं में बहकर युद्ध करेगा तो ये तुरंत हार जाएगा। एक दिन में इसकी हार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन से भावनाएं बाहर निकाली भाई पतित्यावाद की, और जब वो भावनाओं से बाहर निकला तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन अब तुम युद्ध करो। तो ये होता है, अपने अंदर की वीकनेस, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करो, उसके बाद दुनिया से लड़ो। उसके बाद आप दुनिया से लड़ोगे, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। अदरवाइज आपके अंदर हजारों कमियां भरी हुई और आप दुनिया से लड़ना चले हो, दुनिया को जीतने चले हो, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। डेफिनेटली आप वन डे वन आवर में डिफीट खा जाओगे। पहले अपने आप से जीतो, फिर दुनिया को जीतने की कोशिश करना।